टैक्सेशन लॉ में एमसीक्यू रिवाइज करो में पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, केंद्र राज्य और स्थानीय सरकारों की आय और राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं शुल्क, कर, वेतन और ग्रेच्युटी। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, कर। दूसरा क्वेश्चन, करदाता द्वारा बिना किसी प्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति की आशा से सरकार को किया जाने वाला अनिवार्य भुगतान क्या कहलाता है? तो यहां पर आपका जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से ग्रेच्युटी है, शुल्क है, कर है और वेतन है। तो इनमें जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा, कर। तीसरा क्वेश्चन है कि करारोपण के उद्देश्य क्या हैं? तो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से अर्थव्यवस्था का नियमन, आय की प्राप्ति, राजस्व की प्राप्ति और ये सभी। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अर्थव्यवस्था का नियमन हो गया, आय की प्राप्ति और राजस्व की प्राप्ति, सॉरी। तो यहां पर करारोपण के ये उद्देश्य हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चार कहता है कि कर कैसा भुगतान है? तो यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऐच्छिक है, अनिवार्य है, ए एवं बी दोनों है और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, कर जो है एक अनिवार्य भुगतान है।